और वही नू मेवात हिंसा के बाद फरीदाबाद में स्थिति को नियंत्रण के बाद पुलिस लगातार गश्त कर रही है। बल्लभगढ़ की कलंदर कॉलोनी पुलिस ने अपनी पैनी नजर वहां पर बनाई हुई है। हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत ने पुलिस और कॉलोनी के लोगों से हिंसा और शांति व्यवस्था पर बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। फरीदाबाद में लगातार शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, पुलिस इलाके में जा रही है और लोगों से कहीं ना कहीं शांति बनाने की अपील की जा रही है। जिस तरीके से माहौल बन रहा है नू मेवात के अंदर, ऐसा माहौल फरीदाबाद में ना बने, इसी की अपील जो है वो लगातार पुलिस द्वारा जो है वो लोगों से की जा रही है। हमारे साथ भूपेंद्र मौजूद है, लगातार इलाके में गश्त कर रहे हैं। पूछेंगे भूपेंद्र, जिस तरीके से आप लगातार इलाके में जो गश्त कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल बन रहा है लोगों में, किस तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिल रही है? जो लोग हैं हम अवेयर कर रहे हैं कि भाई सुख यहाँ सभी शांति हैं, आपस में शांति से रहें। पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, जो हम मस्जिद हैं और जो होटल हैं उनकी हमने सुरक्षा बढ़ाई है, उच्च अधिकारी बोले सर फिलहाल शांति है सर। धारा 144 लागू की गई है, इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं, आखिर इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? इंटरनेट सेवा कोई शरारती तब कोई इस तरह की अफवाह ना फैलाए कि जिससे कि भावना लोग आहत हो या कोई अफवाह फैल जाए, उसको देखते हुए ये उच्च अधिकारी आदेश लिए हैं। तो जिस तरीके से आप अब जो है वो कॉलोनी कलंदर कॉलोनी में इस समय आप मौजूद हैं, लगातार आप गश्त कर रहे हैं, माहौल अगर यहाँ के स्थिति की बात करें तो माहौल कैसा नजर आ रहा है? माहौल यहाँ बिल्कुल ठीक है, लोग बाग अपने घरों में हैं, अपने मकानों में हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी तरह की किसी को कोई कठिनाई नहीं है। फिर भी अगर किसी को किस तरह की कोई शरारती तब कोई घटना ना घटाए उसके लिए हम मुस्तैद हैं। अगर ऐसा कहीं मिलता है तो क्या सख्ती से किस तरीके से जो है उससे जो है निपटा जाएगा? यदि कोई इस तरह की कोई हमारे सामने घटना आती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रुप्स बनाए गए हैं, रेडिंग पार्टी बनाई गई है, फोर्स डिप्लॉयड की गई है, तो जो भी कार्रवाई है वो उच्च अमन बनाई जाएगी। तो देखिए साफ तौर पर पुलिस के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग चल रही है, इस समय कलंदर कॉलोनी मौजूद है, लगातार लोग भी पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो बैठे, कुछ बात भी करना चाहेंगे, कलंदर कॉलोनी के लोग भी है उनसे भी जानना चाहेंगे। नाम क्या साहब आपका? उमरदीन। उमरदीन जी, जिस तरीके से माहौल हम देख रहे हैं फरीदाबाद के अंदर, क्या स्थिति बनी हुई है? हमारे अंदर तो यहाँ कुछ सब बिल्कुल सही है, हमारे इधर कुछ नहीं है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक नागरिक हैं, तो ऐसे में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाह रहा है भाईचारा बढ़िया बना रहे हमारा इसमें। तो देखिए भाईचारा बना रहे और साफ तौर पर किसी के भी बहकाए में ना आए, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे, मौलाना साहब हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या है? जरीफ अहमद। अहमद साहब, जिस तरीके से फरीदाबाद में लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, क्या माहौल देख रहे हैं और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? शांति बनाए रखें सर, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है सब माहौल बढ़िया। देखिए माहौल बनाए, शांति बनाए रखें और किसी प्रकार का कोई भड़काऊ भाषण या भड़काऊ कोई पोस्ट ना शेयर करें ताकि आपसी भाईचारा खराब हो। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।